नागौर में जो प्रकरण हुआ था वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी वहाँ गई थी और वहाँ सब लोगों से चर्चा करने के बाद एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने बनाई है जो मुझे दी है और इस रिपोर्ट को मैं AICC के महासचिव और AICC के अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी शेयर करूँगा। और जो इस प्रकार के घटना सामने आ रही हैं, चाहे वो बाड़मेर की हो या जैसलमेर की हो या कल सुबह में जो हुआ, वो हम सभी के लिए बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं और दलित समाज को उनके जहन में एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जैसा आप जानते हैं कि सदन के पटल पर भी इस नागौर प्रकरण पर एक वक्तव्य आया है धारीवाल जी के माध्यम से, पुलिस पर कार्रवाई भी करी है और जो लोग दोषी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, अधिकांश लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष रूप से जो दलित समाज के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि हमारी सरकार में, खास करके कांग्रेसी सरकार बनी है तो लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ कमियाँ भी होंगी उसको सुधारेंगे। कहीं पर अगर लैप्स हुआ है, कहीं पर अगर किसी ने लापरवाही करी है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने से ही लोगों के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, उनको पॉलिटिकली भी हम लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि वो लोग सुरक्षित रहेंगे और जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को और मजबूती से काम करना पड़ेगा।